हफ्ते में एक बार चेहरे पर अगर ये 3 शीट मास्क ट्राई करोगे तो ना तो स्किन ऑयली होगी, ना ही पिंपल होंगे, स्किन की ड्राइनेस खत्म होगी और धूप से हुआ कालापन भी निकल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। आई एम अर्शी। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुली ग्रेट। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ जापानीज स्किन की ग्लास स्किन का सीक्रेट, जिसमें हम यूज करेंगे फेस शीट मास्क और डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे अपनी स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी शीट मास्क यूज करने के 3 तरीके, जिसको आप अपनी ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए और सन टैन को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मैं आपको बताऊंगी ऑयली स्किन के लिए शीट मास्क कैसे आप इसको इस्तेमाल करोगे और कैसे बनाओगे। पहले आपको चाहिए रोज वाटर, गुलाब जल। ऑयली स्किन के लिए ज्यादा अच्छा होता है एंड ऑयली स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है, स्किन का पीएच लेवल अनबैलेंस हो जाता है। तो रोज वाटर आपकी स्किन की पीएच लेवल को मेंटेन करेगा एंड आपकी स्किन से पिंपल ब्लैक हेड्स को खत्म करेगा। 2 चम्मच रोज वाटर लेने के बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। ऑयली स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, ये ज्यादा चिपचिपा भी नहीं होता और स्किन को काफी अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर देता है। एलोवेरा जेल में डीप हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारी स्किन के अंदर आसानी से चला जाता है। रोज वाटर एलोवेरा जेल अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने लिया है शीट मास्क, आप कोई भी शीट मास्क ले सकते हो। शीट मास्क के ऊपर आपको ये रोज वाटर एलोवेरा का सोल्यूशन डालना है, पूरे शीट मास्क पर इसको अच्छे से डालकर लगा लो। जब पूरे मास्क पर आप लगा लोगे तो आपको इसे अपने चेहरे पर लगाना है, पूरे फेस को अच्छे से ढक लीजिए और 20 मिनट आपको चेहरे पर इसे लगा रहने देना है और 20 मिनट बाद रिमूव कर लेना है। ये हो गया आपका हाइड्रेटिंग नंबर 1 मास्क, जो आप ऑयली स्किन के लिए यूज करेंगे। सेकंड है टैनिंग और सनटैन डैमेज को ठीक करने के लिए। इसका सोल्यूशन बनाने के लिए आपको किसी भी फ्रूट का जूस लेना है, यहाँ पर मैंने खीरे का जूस लिया है। 2 चम्मच आप खीरे का जूस ले लीजिए। धूप से जब स्किन पर इचीनेस, जलन होने लगती है तो खीरे के जूस स्किन को ठंडक देता है और ये टैनिंग को भी निकाल देता है। तो आपको इसमें ऐड करना है 2 चम्मच खीरे का जूस और इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी हल्दी। सनबर्न को रिमूव करती है, पिगमेंटेशन दाग धब्बों को हल्का करती है और धूप से हुए डार्क स्पॉट, डार्क कॉम्प्लेक्शन को भी ठीक करती है। थोड़ी सी हल्दी डालकर आप सोल्यूशन को मिक्स कर लीजिए। अगेन आपको कोई भी शीट मास्क लेना है और उसके ऊपर सोल्यूशन को अच्छे से लगा लेना है, डाल लेना है और इसके बाद अपने चेहरे पर आप इसे लगाओगे। आप अपने चेहरे पर तभी लगाओगे जब अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लोगे या फेस वॉश कर लोगे। क्लीन फेस पर ही आपको शीट मास्क अप्लाई करना है। पूरे फेस पर कवर करके लगाने के बाद आपको 20 से 25 मिनट इसको लगा रहने देना है, देन रिमूव इट। इसको रिमूव कर लीजिए। हमारे स्किन पर हुए सन डैमेज को क्लियर करता है, टैनिंग को रिमूव करता है, आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करता है। अब बारी है हाइड्रेटिंग नंबर 3 मास्क, जो होने वाला है ड्राई स्किन के लिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको शीट मास्क लेना है और इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध डाल देना है। बिलीव मी, अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन के लिए कच्चा दूध मैजिकल इंग्रेडिएंट है। ये इतना हाइड्रेटिंग होता है कि आपकी ड्राई स्किन में भी जान डाल देता है और ड्राई स्किन को बहुत ही फ्लॉलेस बना देता है। पूरी शीट मास्क पर कच्चा दूध डालकर आप अच्छे से लगा लीजिए। जब आप इसे लगा लोगे तो अपने चेहरे पर इसे लगाइए, पूरे फेस और नोज को कवर करके लगा लीजिए। जब आप लगा लोगे तो 30 मिनट आपको इसे अपने चेहरे पर रखना है, थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए एंड आप लेट जाइए। 30 मिनट बाद आपको इसे रिमूव कर देना है। ये शीट मास्क स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है, बिकॉज ऑफ कच्चा दूध आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है। तो ये 3 हाइड्रेटिंग शीट मास्क आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकती हो। जो भी आपका स्किन टाइप है और जो भी आपको स्किन प्रॉब्लम है, इससे आपकी स्किन फ्लॉलेस होती है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है और आपकी स्किन ग्लास की तरह चमकती है। सो ट्राई इट एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।